अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। अच्छा जी, आज बहुत ज़बरदस्त हमने एक घर पे रेसिपी बनाई है, आप लोगों के साथ भी ये ब्लॉग शेयर किया है, आप व्लॉग भी कह सकते हैं। रेसिपी तो खैर नहीं प्रॉपर हमने बनाई, लेकिन जो जो चीज़ें ऐड की है मैंने उसके बारे में बताया है, तो आपने लास्ट मिनट तक देखना है और ट्राई कीजिए। घर पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनती है, तो चलेंगे व्लॉग का करते हैं आगाज़। भाई आवास है अज वीडियो का क्लिप बनाना जिथे भाभी मैं भी छाँदी आ, ठीक है ना? तो मेरे वास्ते ना बेसन तो गोभी लैके आयो, मैं पकौड़े बनाने हैं, लैके आई बस ठीक है। बाबा सारी ले आई, मोइस क्यों रोई जाता? एक चीज आई है तो तू कड़े स्कूल गया सी बेटा तुसी? सवेरे चल जाएंगे ना, सवेरे दिन छड़ी आवांगे। अच्छा जी, असीं अज ना फर्स्ट टाइम अपने घर जिहड़ा है ना एक चीज बनाने लगे हैं, ते तुहानू भी उस चीज दे बारे असीं जिहड़ा वा ना रिव्यू देंगे, साडा की रिव्यू आंदा वा की बनता वा। फर्स्ट टाइम असं जिहड़े है ना पकौड़े बनाने लगे हैं गोभी वाले। हम जी पहले तो नहीं ना बनाए सी, पहले असं बाजार चो लैके खाते रहे, साडे इत्थे अड्डे ते बनाए सी, बहुत मजे दे बनते सी। ते भाई अब्बास हाँ जी शुरू तो कहिंदे सीगे कि गोभी वाले बनाओ, गोभी वाले बनाओ, तो सब्जियां वाले भी कह सकते हो। तो असं जिहड़े ना अज असीं ओह बनाने लगे हाँ, तो साथ कढ़ी भी बनानी आ। अम्मी जी हुणी जिहड़ा वा ना भाई अब्बास भाई मैं विश गए बाजार, उतो लिया के आएंगे गोभी तो बेसन, तो असी जड़े है ना तब तक असी आलू कट लीए, प्याज कट लीए, प्याज भी बहुत महंगे हो गए हैं जी। किन्ने रुपये किलो हूँ? 200 ये 400-500 तो नहीं आए? हाँ जी, ये भी उबाल के हर चीज़ मिक्स कर ली है, नहीं इदा तो नहीं फिर पानी निकल जाना सारा। अच्छा जी कुट के ना असी हर चीज़ मतलब इन्हें बॉयल करेंगे, बॉयल करने तो बाद इन्हें जो है ना असी गोभी ने भी साथ कट के ना बॉयल करांगे, फिर हर चीज़ में मिक्स करके फिर उस तो बाद बनावांगे। हाँ जी हाँ जी, एक थोड़ा दो तो कटो, मैं नवे आलू लैके आया सिम जी कल देखे ये खत्म कर लो। अच्छा कटे के मुझे हरिया मिर्च कितनी पकड़ा हुआ आज फ्रिज में है तो कुरी चक ले आलू पता है प्याज ज्यादा काट लेंगे थोड़ा बस ठीक है। अच्छा जी आलू भी तैयार हो गए, आलू भी तैयार है, प्याज भी बस मिर्ची आ गई हैं, कौन जगह काट लेनी है ना हम जी। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾ पेट्रोल जड़ा वा ना पिया वा वो हाथ नू लगाओ साफ हो जाएगा। अंदर रखे हुए ना, अंदर मिर्चें भी काट ली हैं, बेसन भी हमारा आ चुका है, और जैसे के पास पड़ा था उन्होंने दे दिया है, भैया बास भी गए हुए हैं वो भी लेके आएंगे। कुकिंग से पहले अम्मी जी सफाई करने लगी हैं सारी, इधर किचन को साफ करेंगी। पकड़ लो, चलो फेंको इन ऊपर, लो जी ऊपर चला गया, हूँ नहीं आना, आ गया आ गया आ गया नीचे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, नाख ना मार ले फट जाना है बो। बस ठीक है।
हल्दी भी पानी है मीजी। अच्छा जी लस्सी है और अम्मी जी ने शायद थोड़ी सी मिर्च भी ऐड करनी है। कड़ी बस अम्मी जी हाथ की खाने वाली होंगी है बस, बाकी सब झूठ है। अच्छा जी बेसन थोड़ा ही ऐड करना वा क्योंकि ज्यादा अगर हो जाए ना वह बहुत ही ज्यादा संघनी जी बन जाती है, बाकी तुसी अपने मुताबिक जिन्ना तुसी बेसन पसंद करते हो तुसी कर सकते हो। असी तो बेसन थोड़ा पाई दा वा क्योंकि ज़्यादा बेसन वाली जी है ना वह संघनी जी बन जाती है, मज़ा नहीं आता। अम्मी जी उन्हें मिक्स कर लें। कुंडा ही ना तोड़ दे भाई, क्या आ रही बार बार जानी थोड़ा घुटना नहीं आ रहा। पास करो जी आराम आराम ना, पहले फेलो ना, जब तो फेल जाएगी ना फिर तो खुटियो फिर जिस तरह मर्जी फेर ही जाती पता है मैं। अच्छा बहुत चंगी गल। अच्छा जी लहसुन भी पा सकते हो, असी अम्मी जी अज थोड़ा सा अदरक पा के चेक कर लगे हैं। अच्छा जी असी शॉर्टकट बना लगे, अम्मी जी ने काम बड़े करने हैं, मैं क्या मैं कढ़ी खानी हाँ, तो अम्मी जी जरा फिर वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। दोबारा मो करो दोबारा करो अम्मी देखो सही है मैं खाना बिचो आवे। अच्छा अच्छा तो मैंने छुरी पकड़ाओ ना, मैं गोभी भी कटाओ दे जी। कड़ी च प्याज ज्यादा होने सोहने लगते हैं, तुम थोड़ी होर पा लो। बेसन भी मिक्स हो गया सामने पिया, साडा अदरक भी कुटिया गया। कुछ प्याज काट लिए हैं मतलब सॉरी कुछ प्याज कड़ी में डाल लिए हैं, कुछ प्याज रहते हैं कुछ और काटेंगे। शायद अबू जी मिस्त्री भाई देना है। अच्छा जी उन्होंने दी ना कोई बच्ची बीमार है शायद देना वा नाल ना कोई मेरे ख्याल दवाई खान गए या वैसे भी गर्म होंगे वा तो सर्दियों बच्चों वास्ते अच्छा होंगे है। अच्छा जी मिर्च के 2 चम्मच कि 3 पाउंड अच्छा 3 चम्मच मिर्च वाली। अच्छा जी साड़ी कोई रेसिपी नहीं है, अभी थोड़ा ब्लॉग शेयर कर रहे हैं फिक्की रह जाती है जिस तरह बुका ना मिर्च मिट्टी पा दी है। हाँ जी और अम्मी जी हूँ की पाना हम मसाले पाने थोड़े थोड़े बस। अच्छा कितने अम्मी जी स्पैस जीरा तो मसाले मिक्स है। अच्छा मिक्स मसाला स्पैस जीरा किन्ने के अद्धा घंटा तो पकानी पेगी ना। हाँ जी हल्की हल्की आंच तकरीबन अद्धा पौना घंटा इन पकावे। गोभी भी आ गई है पकौड़िया वास्ते, प्याज भी हो कटना पैना वा तो गोभी मेरी तैयार मेरे हाथ च। आलू हाँ जी चलो हूँ पा दियो कोई मसला नहीं। अच्छा जी अदरक तो याद भूल गया से अम्मी जी ने कोई मसला नहीं असी हूँ पा दिता वा। अम्मी जी सारी पा देनी है ना, इन्नी तो पैनी एक तो भूल ला
फुल रहन दो ना इस तरह ना के बरीक बरीक कटने। हाँ छिलका उतार दो, छिलका नहीं ना नरम। हाँ ये नरम नहीं होना। ये मुश्किल है ना। सही है। चलो कुछ तो बनेगा ही। शक्ति मोटी कर दो, उबल जानी। अच्छा जी, नवा जी कुक बनिया होया जी, अज थानू खिला दे पकौड़े तो सब्जियां। अच्छा जी, ऐसी उबालनी है, वड्डी वड्डी मैं कटी जा रही हूं। बड़ी बड़ी कट लेना, फिर नहीं तो जे ज्यादा बारीक कटी तो फिर वो पानी जी रह जानी है। मोटी मोटी कट दूं मैं बस। आज कटना अम्मी इन कर है ना थी बस इधर कर के आ गया। इधर आगे में चुपता पानी के दो वाले हैं, ताकि बहुत नरम भी ना करी थोड़ी थोड़ी पार्ट भी हार्ड रहे थोड़ी जी। फिर पकौड़े सोने बनने हैं, पकौड़े नहीं तो पकनी है ना फ्राई होने। आ लो इधर ठीक है, तीन टोटे कराए दे बस। दो दो तीन तीन टोटे करी जा बस। ठीक है, मेरे को ना असल सही छुरी हत्थ लग नहीं रही, मेरे को हो नहीं रहा काम। ये तो मैं तुक्के पे कह रहा हूँ। हाँ जी, इन्होंने धोल वो कट दी सारी सब्जी, गोभी भी ते भी बस गोभी थोड़ी लैके आए मन लगता। बहुत छोटा फूल, बहुत छोटा फूल लग गया। चलो थोड़े बना लेंगे पकौड़े। अच्छा जी, पानी उबलन लग गया साडा, थोड़ी देर और पकावांगे। हैं उतरेंगे तुसी? हां जी, बस हो गई करके कर गई। आलू बॉयल हो गए? हां जी हां जी, बस ठीक है, बंद कर दो उत्ते बैठ रहे हो जी। अच्छा जी, अभी इसमें से गर्म पानी निकाल लेंगे। छाननी में ना हमने डाली ये सारी चीज़ें, पानी निकल जाएगा। ठंडा पानी पा लिया ना जल्दी जल्दी, ठंडे हो जाएगा। अच्छा इधर ला के रख दी है गोभी भी आलू भी सारी चीज़ें, अब अम्मी जी जो है ना के मिक्स करेंगे मसाले वगैरह सारे। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँची हमारी। जल्दी जल्दी पक जाए, मैं तो जड़ा है ना खाने बैठा जी। अब अम्मी जी मसाले निकालने लगी हैं, सारे मसाले निकाल लें, उसके बाद जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, अभी जो है ना ये सारी चीज़ें इस बॉल में कह लें या इस अमीन की बोलते हैं तसला साड़ी पंजाबी जबान बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अच्छा जी, काफ़ी बहन भाई बोल देते हैं भाई आप ग्लव्स का इस्तेमाल किया करें, मतलब दस्ताना, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, वो था अभी महवेश के पास, पता नहीं वो घूम गए दोबारा, हम भी शहर गए याद नहीं रहा हमें। तो बाकी माँ के हाथ का जी जो भी बना हो ज़बरदस्त बना होता है, उसका जैसे कुछ और होता है, टेस्टी कुछ और होता है। हर बात आ कहते हैं। अच्छा जी, ये सब धनिया था, इसे कूट के जो है ना रख लिया है हमने, और ये नमक नमक है, मिर्च है लाल, और ये ज़ीरा, ये मिक्स मसाले हैं शायद, है ना मी जी। अच्छा जी, चल भी वो भी चके पाव जी, रुको। चलें जी,
अम्मी जी कुटो नहीं, जल्दी जल्दी कर लो। हरिया मिर्चा की करनी कुट के पानी ना, वो भी मैं तो कट कट के रख दा। अच्छा जी, सब्जी मिर्चें जो है ना, मैं अम्मी जी कहती हैं कि वो भी ब्रीक करके जो है ना पीस के बिल्कुल जो है ना वो भी करनी है। अब जल्दी से जो है ना मैं भी अम्मी जी की हेल्प करवाने लगा पकौड़े बना रहे हैं।
खा लें जी। ए बेटे मसाले नहीं है ना कट। अच्छा जी बेसन भी डाल लिया वा, मिर्चा भी, धनिया भी, मेथी भी और बाकी सारे मसाले भी तुम दिखाए आ। हर चीज़ मिक्स करके तो जड़ा है ना हूँ असं इन्हों फ्राई करांगे। टेस्ट करके देखते हैं। मजे दे बरीक करके डाला है, कुछ ऐसे बड़ा डाला है, मतलब इसका जायका कुछ और आएगा। मजे के बनेंगे अब ये। कड़ी पीते हैं अब, चेक करते हैं पी के। अच्छा जी आज देखिए ये प्याज इसी तरह रहे ना तो मजा आएगा बनती है फिर कड़ी। अच्छा जी अब निकालने लगे हैं पकोड़े, हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है तकरीबन। अभी अम्मी जी ने पकोड़े बनाने, उसके बाद जो है ना भैंसों का दूध निकालना है, तो अम्मी जी को जल्दी है। अब जल्दी से अम्मी जी मैं पढ़ दिया। बहुत हाँ जी फिर ना ये जल्दी हो जाता जी। अच्छा जी पकौड़े बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे क्योंकि वो ज़बरदस्त बनते हैं। फिर ये नीचे हमने ना साबुन लगा दिया ताकि बाद में धोना जो है ना वो इजी होता है। जलेबी लेके आई थी, जलेबियाँ खाई हैं अभी। हाँ जी बस अड्डे तो खाते बाजारों लैके, लेकिन घर असी फर्स्ट टाइम बनाने लगे, घर कभी भी अगे किसी ने भी ये चीज़ नहीं बनाई। यकीन मनो इन्ने जबरदस्त बने है ना पकौड़े, ओए होए होए होए, और वो भी अम्मी जी दिया दे। मैं क्या ही कहना। टिक्की बना लगे चलो। अच्छा जी अम्मी जी ने हाथ नहीं टिक्की बनाई है, मैं मिस्त्री भाई बुला रहे उधर चला गया थी। अच्छा जी एक टिक्की अम्मी जी ने डाल दी है,
क्योंकि असी ना मिस्त्री भाई पकौड़े दें चलिए साढ़े दही बल्ले भी बने नूडल भी बनन डे आ मैं चलो असी जो है ना मिस्त्री भाइयों ने भी चेक करवा दें चलो ठीक हो गया पकौड़े भी दिंदे पे थोनू किदां सा सही होने पसंद अपनी अपनी होंगी है कुछ लोग वैसे पसंद करते आलू शालू जो है ना फ्राई करते उस टाइम ही वह पकते हैं मैं हर चीज़ पका के मिक्स करके जो ना बॉयल करके जो ना फिर किया ये बड़े जबरदस्त मुझे तो बड़े जबरदस्त लगे चेक किते अभी तुसी मेरे रखो इतने मैं भाभी महवेश भी चेक करा के आवा भाभी आसिया कह रही बहुत मजे दे भाभी महवेश कह रही मैं चेक ही नहीं किते भाई महवेश मैं बस दो ले आना भाभी आसिया किधर आलो करो हाँ चेक पकौड़िया दस दियो बस नहीं मजे दे मुँह उपर करके दसो ना मजे दे है ना मैनू आप बहुत मजे दे लगे अम जी मैं उधर चला गया ना बारह लो यार अच्छा जी पकौड़े सब ने बहुत पसंद किए तुसी ये देख सकते हो पकौड़िया की हालत भी इतने पकौड़े कोई नहीं पिया सिर्फ आखिरी पूरा भाई वास रहते जेडी इस चीज मंगते होंगे भाई बहुत मजे के बने बी यकीन करो पकौड़ा वो हो बहुत मजे दे बने कच्चे टेस्ट नहीं आता कोई अगर ये भी जाए तो बे बाद चुके दियो भाभी बड़े मजे दे बेटा उधर बैठो उधर जाके चेक करो उधर बैठ के अम्मी जी के हाथ बहुत टेस्ट बहुत मजे की कसम बने तुम देख लो सा ट्रे च भरी सी जो गए मैं जो बहर गया तो उन्होंने खाली की पी सारे ने खा खा के हाँ जी बहुत मजे दे अच्छा जी यदा मतलब मेरी चीज जी है ना जी चीज मैं अम्मी ने बनाई असं जित गए असि जित गए हैं अज सा अज ना साढ़े घर च तीन चीजा पक्या वा तीन की जड़े ना मुख्तलिफ चीजा लो जी एक पिया से भाई बस ने वह भी देख देख के खा ही लिया खा के चेक तो करिए ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੈ